हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ द्वितीय विश्व युद्ध का पार्ट 3। और इसमें हम जो द्वितीय विश्व युद्ध का बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट है मित्रों, वो पूरा करेंगे। इसमें कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो प्रतियोगी साथी हैं, मित्र हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि मेरी जो ये विश्व इतिहास की सीरीज़ है पूरी, ये स्पेशली RPSC फर्स्ट ग्रेड या RPSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सबको ध्यान में रख के बनाई गई है मित्रों। अगर आप मेरी सीरीज़ देख कर या मेरी वीडियोस विश्व इतिहास की देख कर इनसे तैयारी करेंगे तो आपको अवश्य ही परीक्षा में लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने जो मैटर इनमें करवाया है वो पूरा है और आपको समझ आने लायक है मित्रों। तो प्लीज़ मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें और पूरा देखें और इसे शेयर करें मित्रों। ये जितनी शेयर होगी वीडियो, उतने ही ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो इसमें एक संस्था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संस्था का निर्माण होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण। ये क्या था मित्रों? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जियाफ्रे लारेंस की अध्यक्षता में बनाया गया। जियाफ्रे लारेंस इनकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। और इसका जो मुख्य जो मुख्यालय था वो जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में था। मुख्यालय कहाँ था? जर्मनी के न्यूरेमबर्ग। यहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, सैनिक न्यायाधिकरण का न्यायालय था। और इसका जो मुख्य काम था वो क्या था? यहाँ युद्ध अपराध से संबंधित मुकदमे चलाए गए मित्रों। युद्ध अपराध से संबंधित मुकदमे, क्योंकि यह एक न्यायालय था, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायालय था और यहाँ पर युद्ध अपराध से संबंधित मुकदमे चलाए गए। अब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या रहा मित्रों। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व में दो बड़े सैनिक संगठनों का निर्माण होता है। पहला तो है नाटो। इसका पूरा नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था इसका मित्रों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह क्या मित्रों, ये एक सैनिक संगठन था और इसकी जो स्थापना है वो होती है 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है मित्रों। और इसका जो मुख्यालय था वो था ब्रुसेल्स में। ये ब्रुसेल्स कहाँ पे है मित्रों? ये बेल्जियम में है। और यहाँ पर क्या था इसका मुख्यालय? था बेल्जियम। इसकी जो आधिकारिक भाषा थी मित्रों, वो दो भाषाएं थी इसकी आधिकारिक भाषा। एक तो थी अंग्रेजी और एक थी फ्रांसीसी। और इसके जो पहले महासचिव थे उनका नाम था लॉर्ड इश्मे। पहले महासचिव का क्या नाम था? लॉर्ड इसमें। इसी तरह मित्रों एक दूसरा संगठन था जिसका नाम था सीटो। क्या नाम था? सीटो। और इसका जो पूरा नाम है मित्रों वो क्या था? साउथ एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
क्या नाम था इसका, साउथ एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या था इसका पूरा नाम था, लेकिन वर्तमान में मित्रों इस संस्था का अस्तित्व नहीं है, ये समाप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो है बैंकॉक में, बैंकॉक में इसका मुख्यालय है, और इसके पहले महासचिव थे वो थे पेंटा सोरेसन, पहले महासचिव कौन थे, पेंटा या पेंटा सोरेसन। इस तरह मित्रों ये परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दो संस्थाओं का विश्व में उदय होता है मित्रों, और भी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम जैसे हर युद्ध का परिणाम होता है मित्रों, जनधन की हानि हुई, दो महाशक्तियों का उदय हुआ इसमें, जैसे एक तरफ अमेरिका जैसा पूंजीवादी राष्ट्र था, दूसरी तरफ सोवियत रूस था जो साम्यवादी देश था, तो ये दो शक्तियाँ उभर कर सामने आई, शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया, जैसे वहाँ पे साम्यवाद का प्रचार था रूस में, और अमेरिका जो था वो विश्व में खुद पूंजीवादी था और पूंजीवाद का प्रसार करना चाहता था, और रूस भी क्या पूंजीवादी था और पूरे विश्व में रूस साम्यवादी था मित्रों, और वो पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना चाहता था, तो इस तरह क्या है कि ये दो जो थे गुट बन गए, और ये क्या इनमें एक शीत युद्ध सा प्रारंभ हो गया, एक झगड़ा सा प्रारंभ हो गया, शीत युद्ध था मित्रों, ये जो लड़ाई थी वो हथियारों से नहीं लड़ी गई, किसी बम से गोला बारूद से नहीं लड़ी गई, ये चुपचाप बैठकर और गुटबाजी की लड़ाई थी मित्रों, और इसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। और इसके बाद मित्रों सबसे जो इम्पोर्टेंट जो घटना घटती है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।